Assalamualaikum viewers, welcome to Isha's Kitchenette. आज हम अपने किचन की फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर फजी ब्राउनी से स्टार्ट करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम अपने पैन को ग्रीस करके रखेंगे और इसको ग्रीस करने मैंने पैन लिया है 7x8 इंचज का. तो इसको आप अच्छे तरीके से ग्रीस कर देंगे ऑयल की मदद से, या बटर जो भी आप यूज़ करें, दोनों का रिजल्ट सेम ही है. इधर मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ. तो अच्छी तरह ग्रीस कर दिया. अब इसके ऊपर आप बटर पेपर रख दीजिए. बटर पेपर को आपको फाइन कटिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. अगर आप ऐसे भी रख देंगे तो इससे कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ऑयल की मदद से वो अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएगा. ऑयल ब्रश आप इसके ऊपर भी लगा देंगे और इसको साइड पर रखेंगे. अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे. जो हमने लिए हैं, 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर है, जिसको हम मैदा भी कहते हैं, ये हम लोगों ने डाल लिया है. 1/3 कप मैंने लिया है कोका पाउडर, ठीक है, ये हम डाल लेंगे. और सॉल्ट के हमने जस्ट पिंच ऑफ सॉल्ट लिया है, इसको हम डाल लेंगे, क्योंकि ये हमारी ब्राउनीज के अंदर स्वीटनेस को जो है वो थोड़ा बैलेंस कर देता है. इसको हम अच्छे तरीके से स्टर कर लेंगे, ताकि हमारे कोई भी अगर कोका पाउडर के या फ्लावर के जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए, टूट जाए. अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है बिल्कुल. ओके, अब हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी कर रहे हैं, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा 1 कप शुगर. ये वेट इंग्रेडिएंट्स में इसलिए डल रही है क्योंकि इसमें हमें ऑयल में इसको मिक्स करना है, एग मिक्सचर में, ठीक है. 1 कप शुगर हम एक बॉल में ले लेंगे और 1 कप शुगर के साथ ही हम 1 कप ऑयल ले लेंगे. अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग जो है बटर यूज़ करते हैं, तो मैंने दोनों से ट्राई करा है. बटर और ऑयल का जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल सेम ही आता है, तो इस वजह से मैं बटर वेस्ट नहीं करती, मैं ऑयल यूज़ करती हूँ. और ऑयल मुझे डिफरेंट तो नहीं पता, मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ तो इसलिए मुझे ऑलिव ऑयल का रिज़ल्ट पता है, तो वो तो सेम ही आता है. मैंने यहाँ 1 कप ऑयल ले लिया, ठीक है. अब इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे. यहाँ पर मैंने 2 eggs लिए हुए हैं, जो मैंने पहले से फ्रिज से निकाल के रूम टेम्परेचर पे कर लिए थे 2 eggs, ठीक है. और इसको मैंने अलग बोल में पहले तोड़ के निकाल लिए हैं, क्योंकि ताकि इस वजह से ताकि कोई शेल वेल उसमें मिक्सचर में ना शामिल हो. तो आप जो है 1 egg जो है एक वक्त में ऐड करेंगे और फिर उसको सही तरीके से बीट करेंगे. दूसरा एग भी शामिल कर दूंगी इसमें. अच्छा, यहाँ पर अगर आपने ब्राउनीज़ जो है अपनी फजी नहीं बनानी, क्योंकि कुछ लोगों को केकी ब्राउनीज़ पसंद होती हैं, अगर आपने अपनी ब्राउनीज़ फजी नहीं बनानी, केकी बनानी है, जो कि हमें अक्सर बेकरीज पे मिलती हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 1 teaspoon बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर वो आपने ऐड करना है, ताकि आपके जो ब्राउनीज़ हैं वो केकी बने. और अगर आपने फजी करनी है तो आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है. आपने बीट बहुत कम करना है, सिर्फ इतना करना है कि अच्छे तरीके से इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं, और दूसरा बेकिंग पाउडर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना. इस मिक्सचर के अंदर मैं ऐड करूँगी 1 teaspoon वनीला एसेंस. अच्छा, देखें, अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करके देखा है, मैं 1 teaspoon यानी कि 1:1 के रेशो के अंदर मैं हनी ऐड कर देती हूँ, तो वो बिल्कुल वही काम करती है जो वनीला एसेंस करता है. तो बहुत सारे लोगों के पास एट अ टाइम मौजूद नहीं होता है, तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है. आप जो है वनीला एसेंस अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए. ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद आपने सिर्फ स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करना है. चलो जी, इसको मिक्स कर लेते हैं. आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बहुत इजीली आप ये मिक्स हो जाएगा. अच्छा, मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते वक्त अपना जो है ओवन जो है वो प्री हीट करने के लिए रख दिया है. आपने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट्स के लिए ओवन को प्री हीट करना है, और फिर जब आप ब्राउनी मिक्सचर उसके अंदर रख देंगे तो फिर आपने हीट को 170 डिग्री पर कर दिया है.
कर देना है और उसके बाद उसको 10 to 15 minutes तक बेक करना है। ये हमारा पैन जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ग्रीस करके रख दिया था, अब इसके अंदर हम अपने ब्राउनी मिक्सर से डालेंगे। एयर बबल्स को हमें अच्छे तरीके से रिमूव करना है वरना अगेन वही के हमारे जो केक की ब्राउनीज बन जाएंगे। उसके लिए रिमूव करने के लिए एक ट्रिक है जो ये, हम स्टिक को अच्छे तरीके से स्वर्ल्स बनाएंगे इसके अंदर। और स्वर्ल्स इसमें बनाने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से यूँ करूँगी जिसके वजह से इसके जो एयर बबल्स हैं वो फट जाएंगे। हमारे ब्राउनीज जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इनको मैंने निकालने के बाद कूल डाउन कर लिया था और अब आप ये देखिएगा कि बटर पेपर की वजह से कितना इजीली ये ब्राउनीज जो है मैं पैन से रिमूव करूँगी। ईजीली हमारे ब्राउनीज जो हैं मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब मैं आपको इसकी कट करके पिक्चर शो करती हूँ।